फैक्ट नंबर वन गाइस, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिस पर यकीन कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजस्थान कोटा के रावथा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ एक 6 फीट लंबा कोबरा सांप रेलवे स्टेशन के कंट्रोल पैनल होल में घुस गया और काउंटर पर जाकर ऐसे बैठ गया कि मानो उसने कंट्रोल पैनल का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है और बाकी अधिकारियों को यह बता रहा है कि तुमसे अच्छा काम मैं कर सकता हूं। और यह सब देख वहां मौजूद अधिकारी भड़क गए और उस कोबरा सांप को भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस घातक सांप ने सभी अधिकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल, इस घटना का ट्रेन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन यह कोबरा सांप अब ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और अधिकतर यूजर्स इसे देख रेलवे अधिकारियों की चुटकी ले रहे हैं। वैसे गाइस, आपको यह रेलवे कंट्रोल पैनल का नया इंचार्ज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर टू, कैंपस शूज जो कि एक इंडियन ब्रांड है, वो अब धीरे धीरे प्यूमा और नाइकी को टक्कर दे रहा है। जी हाँ गाइस, कैंपस पिछले कुछ दिनों में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि उसने अपने आईपीओ में इन्वेस्टर्स को 23% तक का प्रॉफिट कमा के दिया है। लेकिन कैसे? दरअसल साल 2005 में हरिकिशन अग्रवाल ने कैंपस कंपनी की नींव रखी थी और तब उन्होंने शूज कॉम्पिटिशन में आने के लिए अपने कंपनी के जूतों को अच्छी क्वालिटी के साथ साथ कम कीमत में बेचा, ताकि लोगों को कम कीमत में ही एक ब्रांड पहनने का मौका मिल सके। और यही नहीं, जब कैंपस के जूते ऑनलाइन भी आए तब भी उनका प्राइस नाइकी और एडिडास के जूतों से कम ही था और एक अच्छी क्वालिटी की वजह से कैंपस धीरे धीरे एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। यानी कि जहां एक वक्त नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसी कंपनियां इंडिया के स्पोर्ट्स शूज मार्केट में राज करती थी, वहां अब कैंपस 17% का मार्केट शेयर होल्ड करके ग्लोबली पॉपुलर हो चुका है। फैक्ट नंबर थ्री गाइस, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बचपन में अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ 10x12 की झोपड़ी में रहा करती थी। गरीब पिता के साथ उसका पूरा बचपन मुंबई के एक सिग्नल पर फूल बेचने में चला गया। और तो और, वो एक ऐसे समाज से ताल्लुक रखती थी जहां पढ़ाई को एक अभिशाप माना जाता था। लेकिन इन सब परेशानियों और चुनौतियों के बावजूद भी उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पढ़ाई को अपना हथियार बनाया और अपने माता पिता को अपना मोटिवेशन, और आखिरकार एक दिन उसकी ये मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक JNU में हो गया। फिर क्या था, पढ़ाई को लेकर उसका ये जुनून और बढ़ता ही चला गया और फाइनली उसका सिलेक्शन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हो गया। गाइस, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि 28 साल की सरिता माली है, जो अब उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समाज की बंदिशों की वजह से पढ़ नहीं पाते। सलाम है इस लड़की को। फैक्ट नंबर 4, RRR यानी कि राइज रोर रिवोल्ट, SS राजामौली की कैसी फिल्म जो हर दिन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह फिल्म भी कश्मीर फाइल्स की तरह इतिहास की सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीता रामाराजू और कोमा राम भीम जी की, जिन्होंने अपने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस फिल्म को बनाने में 400 करोड़ रुपए लगे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी दिखाने के लिए राजामौली जी ने कितनी मेहनत की है। और ये जरूरी भी था क्योंकि आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। गाइस, राजामौली जी पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को दिखाने के लिए 400 करोड़ रुपए लगा दिए। उनकी सोच को हम दिल से सलाम करते हैं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।